लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई आप लोग भली भली जानते ही होंगे, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही एनडीए गठबंधन के ही हिस्सा हैं। चिराग पासवान को सीट शेयरिंग पर जेपी नड्डा से कई बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन पशुपति पारस जिस तरीके से हाजीपुर को सीट के लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, मीडिया में बयान दे रहे थे, उनको जबरदस्त झटका लगा था। थ्रू बता दें कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान को बीजेपी ने एनडीए गठबंधन में शामिल किया और चिराग पासवान ने बिहार की 11 लोकसभा सीट पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी। उसमें हाजीपुर की सीट है जो पशुपति पारस हाजीपुर से वर्तमान में सांसद है और चिराग पासवान हाजीपुर को सीट को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे साथियों। लेकिन हाजीपुर को सीट को लेकर पशुपति पारस भी एनडीए गठबंधन के सामने अपनी दावेदारी को मजबूती से रखे, लेकिन अमित शाह की ओर से जबरदस्त झटका लगाया साथियों पशुपति पारस को। बता दें कि चिराग पासवान की हाजीपुर की सीट कन्फर्म हो गई है और पशुपति पारस को जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। अमित शाह के ओर से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप हाजीपुर का नाम भी लिए तो आपको गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर साथियों, जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस की तरीके से सड़कों पर आ गई थी, इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से पशुपति पारस को झटका लगा है साथियों। एनडीए गठबंधन की तरफ से पशुपति पारस को बाहर निकालने की बात कही गई है साथियों। कहीं ना कहीं इससे पशुपति पारस को और उनकी पार्टी को जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। अभी चिराग पासवान को अभी नहीं कन्फर्म किया गया है कि चिराग पासवान बिहार की कितनी लोकसभा सीट पर लड़ेंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया कि चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ेंगे साथियों। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं एलजेबी बिहारी चैनल। अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।